हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को। तो दोस्तों, अभी शाम का टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं गर्मी इतनी है। मैं बार बार पानी से मुंह धो रही हूँ, फिर भी थोड़ा देर के लिए सही होता है, फिर ये गर्मी हो जाता, फिर लगता है बहुत गर्मी लग रही है। थोड़ा देर के लिए ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ करेले का भुजिया। मैं अभी बनाने जा रही हूँ, चावल दाल और करेले की भुजिया बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप लोग को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। ऐसे तो बहुत लोग करेले की करवाट की वजह से और किसी को पसंद नहीं होता है, पर चावल दाल के साथ खाने से अच्छा लगता है। और दोस्तों, मैं आप लोग से भी बताऊंगी बिना करवाहट का करेले का भुजिया आप लोग मेरे तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल करवाहट नहीं आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहना, मैं आप लोग को बताऊंगी। अगर आप लोग को पहले से पता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे बनाकर, बिल्कुल करवाहट नहीं आएगी और आप लोग अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि करवाहट की वजह से किसी को पसंद नहीं होता करेला। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, डायबिटीज के मरीज होते हैं उनके लिए करेला बहुत फायदेमंद होता है, और करेला है सो कभी कभी खाना ही चाहिए। करवाहट उसका नहीं होगी। मैं बताऊंगी आप लोग से ज़रूर कि कैसे मैं बनाऊंगी जिसे बिल्कुल करवाहट नहीं आएगी। तो आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहना है एंड तक, वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए मैं आप लोग को बताती हूँ कि बिना करवाहट के करेला कैसे बनाएंगे। अगर आप लोग को पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर नहीं पता है तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं जाती हूँ बनाने, तब तक के लिए आप ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये है करेला, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मैं आधा किलो करेला ली थी, करेला का सीजन भी है अभी, आप लोग देख सकते हैं इस साइज का करेला है। मैं इसको धो लेती हूँ। सबसे पहले मैं को दोनों साइड से, इसका ये और ये है ना, ये वाली, ये इसका मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद धोऊंगी। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं, मैं सारे इसका ये अलग कर दी मैं, और करेला यहाँ पे है, और मैं इसको अच्छे से धो लूंगी। दोस्तों, मैं अच्छे से धो लिया हूँ इसको, देख सकते हैं, और इसको मैं अब कट कर लूँगी। और करेला प्याज का सब्जी किन किन लोगों को पसंद है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें प्याज में बहुत ज़्यादा, इसके बराबर ही प्याज डालूँगी। करेला
और इसमें मैं प्याज को ऐड करूँगी करीब आधा किलो, आधा किलो के करीब ऐड करूँगी क्योंकि करेला में प्याज डालने से सही होता है। पता नहीं कितना है पर मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अंदाज से बताती हूँ आधा किलो के करीब मैं ऐड करूँगी, लेकिन आप लोग बताना कितना है तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, तो देख सकते हैं। तो इतना प्याज में ऐड करेंगे, ये कितना है मुझे नहीं पता कितना है, आप लोगों बताना से कितना आधा किलो होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा मुझे नहीं पता। तो चलिए अब इसको कट कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से करेले की मैं कट कर ली हूँ गोल गोल। अब मैं इसमें और टिक लगाऊंगी जो मैं आप लोगों को शेयर भी करूंगी और इसका करवाट भी चलेगा। तो दोस्तों आप लोग को पता है तो जरूर बताइए, नहीं पता है तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। दोस्तों मैं इसमें ऐड करूंगी नमक क्योंकि नमक से इसका करवाहट बिल्कुल चला जाएगा। ये देख सकते हैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी इसको। और इसमें से पानी भी छोड़ देगा और ये सॉफ्ट भी हो जाता है। मैं इसके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, फिर इसे धो लूंगी। तो दोस्तों इसमें मैं नमक को ऐड करती हूँ और अब मैं प्याज को भी कट कर लेती हूँ। जब तक उसे 10 मिनट के लिए छोड़ दी हूँ तब तक वो हो जाएगा, उसकी करवाहट चला जाएगा, उसके उसे तब तक मैं प्याज को कट कर लेती हूँ। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहना ब्लॉग में, पूरा लास्ट तक देखना, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। कैसा लगता है वीडियो ये भी बताना। तो दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं इसे रखा हुआ, तो बिल्कुल पानी छोड़ दिया है देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे प्याज भी कट हो चुका है और इसको मैं धो लेती हूँ 2 बार अच्छे से। तो दोस्तों मैं 2 बार इसे धो ली हूँ अच्छे से, यहाँ पे बिल्कुल साफ हो गया है और इधर मैं कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ। गर्म हो रहा है इसमें मैं, तो दोस्तों जुड़े रहिए, मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैं प्याज और करेला को साथ ही में डाली हूँ क्योंकि दोनों साथ में पक जाएंगे। और मैं पहले प्याज डालती तो प्याज जल जाता और इसका टेस्ट भी ख़राब हो सकता था, इसीलिए मैं साथ में डाली हूँ। और आप चाहे तो 1-2 मिनट करेला पकने के बाद भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा अरहर और मसूर का दाल है। तो इसे मैं अभी धोई नहीं हूँ, देख सकते हैं बनाऊँगी। और यहाँ पे हमारा भुजिया भी बन रहा है और उस साइड में दाल भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अरहर और मसूर का। मूँग का भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसको मैं धो लेती हूँ सबसे पहले। तो आप जुड़े रहना। तो यहाँ पर देख सकते हो तो मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और नमक भी ऐड करूँगी उसके बाद। तो आप लोग देख सकते हैं, फिर हल्दी डालेंगे और कुछ नहीं, ज़्यादा मसाला नहीं ऐड करूँगी क्योंकि भुजिया बना रही हूँ। आलू प्याज का ये सिंपल सा बिल्कुल कम तेल में मैं बना रही हूँ, देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, फाइन हमारा करेला का भुजिया बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल अच्छे से बन चुका है और इसका कलर भी बहुत मस्त आया है, देख सकते हैं। और ये बिल्कुल करवाट बिना करवाट का है। और यहाँ पे चावल भी है जो एक दो मिनट और लेगा। यहाँ पे दाल भी बन चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अरे भुजिया भी है और यहाँ पर मैं सूजी का हलवा भी बनाई थी, वो भी है। यही आज का डिनर था मेरा, तरह से देख सकते हैं आप लोग। भुजिया को मैं गैस बंद है, फिर भी मैं भुजिया को चला रही हूँ क्योंकि ये जल न जाए नीचे से, क्योंकि कढ़ाई गर्म होता है तो नीचे से जलने लगता है। इसीलिए मैं बार बार इसे चला रही हूँ ताकि एक दो मिनट ठंडा हो जाए ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो के यहीं तक रहने देती हूँ और मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे। बाय बाय, टेक केयर।